हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बोला था कि मेरा स्पोर्ट्स वीक स्टार्ट होने वाला है, तो वो दिन आज है। आज फर्स्ट डे स्पोर्ट्स वीक का, तो मैं अभी रेडी हो चुका हूँ कॉलेज जाने के लिए। तो अभी हम सब कॉलेज चलते हैं और इनॉग्रेशन फंक्शन जो सेरेमनी होता है वो देखेंगे और देखते हैं आज फर्स्ट डे में क्या क्या होता है। तो चलते हैं अभी हम सब कॉलेज। लगभग एक घंटा और 30 मिनट ट्रैवल करने के बाद हम अपने कॉलेज आ चुके हैं और आज हम सब काफ़ी जल्दी आ गए हैं, क्योंकि देखिए आज हम सब का नियरली 30-40 बस है। तो अभी हम थर्ड नंबर पे आए हैं, तो अभी बहुत टाइम है और अभी हम सब जाके क्लास में रेस्ट करने वाले हैं और 9 को हम सब का अटेंडेंस लिया जाएगा। उसके बाद हम सब ग्राउंड में आएंगे और यहाँ पे भी मेरा दोस्त कुछ बैकग्राउंड में बोल रहा है और ये आप सुनिए। और पीछे जो आ रहे हैं वो जो लेफ्ट साइड में है वो मेरा फोटोग्राफर दोस्त है और वो भी मेरा दोस्त है। अभी हम सब क्लास जा रहे हैं बैग रखने के लिए और बैग रखने के बाद हम सब वॉशरूम जाएंगे। तो ये मेरे क्लासरूम के पीछे का कुछ व्यू है। जो मेरा क्लास है वो ये मेरे कॉलेज के सबसे टॉप बिल्डिंग टॉप जो मेरा क्लास है वो टॉप फ्लोर पे है और मेरे क्लास से कुछ ऐसा व्यू दिखता है। हमको भी दिखा ना, हमको किसी ना हमको दिखा ना है, जब तक खड़ा है ये मेरे दोस्त सब है। तो 9 o'clock होने के बाद हम सबको जो हम सबका HOD है वो आके हम सबका अटेंडेंस ले रहा है और काफ़ी स्टूडेंट जो अभी नहीं आए हैं बाद में आके अपना अटेंडेंस क्लियर करवा लेगा। तो अभी हम चलते हैं अपने ग्राउंड में जाएंगे। अब तो देखिए हम सब क्लास से निकल के देख रहे हैं कि देखो नियरली हम सब के कॉलेज में नियरली 5000 के आसपास स्टूडेंट हैं। तो वो सब अभी देखिए सब के सब धीरे धीरे बास्केटबॉल कोर्ट और फुटबॉल ग्राउंड में आके गैलरी जो होता है बैठने वाला वहाँ पर सब कोई अपना सीट ऑक्यूपाई करेगा। और हम सब के कॉलेज में कैंटीन भी लगा है लाइक स्टॉल, तो सब कोई वहाँ पे बैठेंगे खाने के लिए। तो अभी हम सब चलते हैं। अब देख सकते हैं हम सब का कॉलेज जो जहाँ पे है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर एरिया में है, बहुत ज़्यादा सुंदर है ये जगह। और अभी हम सब अपने बिल्डिंग से नीचे आ गए। तो यहाँ पे हम सब का कॉलेज का एक कैंटीन है जहाँ पे हम सब गैदर हुए हैं और ये सब मेरा दोस्त है और मैं अपना कैमरा भी लाया हूँ, तो थोड़ा बहुत फोटोग्राफी भी करूँगा मैं। हो सके तो अपने वीडियो के लास्ट में अपना कुछ फ़ोटो भी अपलोड कर दूँगा जो आप सबको पसंद है, तो बस बोल दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और ये मेरे फोटोग्राफर दोस्त है जो बहुत ही अच्छा है, बहुत फनी है। तो हम अभी अपने फुटबॉल ग्राउंड में आ चुके हैं और यहाँ पे नई 5000 स्टूडेंट है, तो सबको एक साथ नहीं खेल सकता, तो कोई सिलेक्टेड मेंबर है जो खेलने वाले हैं और मैं भी खेलने वाला हूँ। जो लास्ट वीडियो में पहले वीडियो एक डाला था क्रिकेट, तो उसमें था ये सब फुटबॉल हाई जंप लॉन्ग जंप के मेंबर्स हैं। तो ये सब अभी लाइन बना के जा रहे हैं वहाँ पे लाइक असेंबली की तरफ बनाएंगे और उसके बाद ओपनिंग सेरेमनी वो करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे सब कोई लाइन बना लिए हैं जैसे असेंबली में होता हुआ करता है। तो अब वो सब लाइन बना के ओपनिंग सेरेमनी को इनॉग्रेट करेंगे। और थोड़ी देर घूमने के बाद थोड़ा थक गया था, बहुत धूप था, तो मैं अपने दोस्त के पास आया। तो दोस्त अपने गर्लफ्रेंड के साथ बैठा हुआ था, तो मैं भी आके वहाँ पर बैठ गया और थोड़ा बातचीत हुआ और फोटोग्राफी भी मैंने उन सब का किया, मैं वीडियो में डाल दूँगा वो। बस हम सब यहीं पे गार्डन है जो वहाँ पर बैठे हैं अभी। तो थोड़ी देर बैठने के बाद हम सब नीचे आए जहाँ पे हम सब का स्टॉल लगा है जैसे कि कैंटीन, जहाँ पे कुछ चटपटा चीज़ मिलेगा खाने के लिए, तो वहीं पे आए हैं हम सब। बस हम सब थोड़ी देर में खाते हैं घूमते हैं वही पास, और थोड़ी देर में फिर से हम सब कैंटीन जाएंगे खाने के लिए। तो अभी हम कैंटीन जा रहे हैं खाने के लिए।
तो अभी हम कॉलेज के कैंटीन में आ गए हैं और यहाँ पे हम सब कुछ फ्राइड राइस ये सब मंगवाते हैं, उसके बाद थोड़ा बहुत जूस वूस पीते हैं, खाते हैं। तो बस खाने के बाद हम सब आगे वुमेंस का बास्केटबॉल मैच स्टार्ट होने वाला था, तो हम सब आगे देखने के लिए। और देखिए यहाँ पे इन सब का मैच स्टार्ट हो गया वुमेंस का, और बोले तो वन ऑफ द कैसे बोलूँ, बोलना तो नहीं चाहिए, पर बहुत ही ज़्यादा हंसे हम सब इस वुमेंस का मैच देख के। वुमेंस का लगभग बच्चा जो होता है 10 साल का, वो वैसे खेल रहे थे वो सब। तो थोड़ी देर देखने के बाद हम सब चले गए। फिर से जब मेंस का बास्केटबॉल आया, जैसे आप देख रहे हैं वीडियो में, वो देखिए आप कैसे खेल रहे हैं, वो बहुत अच्छा खेले हैं वो सब। बास्केटबॉल में नियरली आधा तो मेरा दोस्त है, मेरे दोस्त अब सब है जो खेल रहे हैं, बहुत ही मज़ा आया देखने में बास्केटबॉल। ये जो बंदा भी शूट किया है, वो एक भी बॉल मिस नहीं किया, सब के सब रिंग में घुसाया। इसका बहुत ही ज़्यादा वो शार्प शूटर है, बहुत ही मस्त शूट कर रहा है, आप भी वीडियो में देखिए। तो वो देखने के बाद थोड़ी देर के लिए हमने ये जिसे आप देख रहे हैं जैवलिन थ्रो रहा है, तो हम सब थोड़ा पास में जाके देखते हैं उसको। यहाँ पे हम सब इंडोर स्टेडियम में आ गए जहाँ पे बैडमिंटन मैच हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये मेरे दोस्त का दोस्त है, इसका थोड़ी देर मैच देखते हैं, उसके बाद हम सब फिर से चले जाते हैं अपने ग्राउंड में। तो देखिए ये सब भी काफ़ी बहुत ही मज़ा है इस बैडमिंटन देखने में। और यहाँ पे हम सब का लॉन्ग जंप हो रहा है वुमेंस का, देख के तो हंसी भी आती है। और यहाँ पे रनिंग रेस वो भी वुमेंस का ही हो रहा है। तो थोड़ा सा मैंने भी थोड़ा देर देख के वापस से थोड़ी देर के लिए रेस्ट किया मैंने। तो हम सब वैसे ही ऐसे ऊपर नीचे कर रहे थे ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड और बास्केटबॉल ग्राउंड, इंडोर स्टेडियम और क्लासरूम में, बस अभी हम सब ऐसे ही बाहर घूमते हैं। और यहाँ पे जब मैं कॉलेज अपने क्लासरूम के ऊपर गया, टॉप फ्लोर पे थे, यहाँ ऊपर से कुश्ती हो रहा था, मैं भूल गया था कि कुश्ती भी हो रहा है। और बस ये लास्ट मैच था, मैं जब तक नीचे जाता तब तक शायद ख़त्म भी हो गया, तो मैं पूरा वीडियो नहीं दिखा पाया आप सबको, सॉरी उसके लिए। ये जो मैंने पहले ही बताया था, ये मेरे कॉलेज के अनदर साइड से ऐसा व्यू दिखता है, नहीं मेरे क्लास से ऐसा व्यू दिखता है। और जैसे मैं बताया था जैवलिन थ्रो हो रहा है यहाँ पे, ये देखिए कैसे फेंक रहे हैं, मज़ा आ रहा है देख, ये पार्ट है अच्छा है, बहुत अच्छा फेंक रही हैं ये सब। और फिर से यहाँ पे वुमेंस वॉलीबॉल खेल रहे हैं, ये भी हम सब देखिए इंजॉय किए। आप देख रहे हैं पूरा गैलरी जो है पूरा भर चुका है, सन है इसीलिए बहुत ट्री के पास ही बैठ रहे हैं। और ये मेंस का वॉलीबॉल हो रहा है, ये जो जर्सी नंबर 9 में दिख रहा है वो मेरा दोस्त है, वो कॉलेज का वॉलीबॉल का कैप्टन है, बहुत ही अच्छा खेलता है वो। और वैसे करते ही करते हम सब का 3:30 हो गया, तो हम सब का छुट्टी हो गया। तो हम मैं अभी घर जा रहा था और काफ़ी अंधेरा हो चुका है, मैं नर्ली से 6 को घर पहुंचता हूँ। गाइस तो आपने अभी मेरे वीडियो में देखा होगा कि बस थोड़ा सा स्पोर्ट में दिखा पाया, क्योंकि मैं बस इतना ही कवर कर पाया, और जो इंडोर गेम्स था वो कहाँ कहाँ पे लिया जा रहा था मेरे को उतना पता नहीं था, तो मैं वो लेन नहीं ले पाया। और बहुत ज़्यादा इंडोर वाला गेम जो होता है वो ख़त्म भी हो गया, फाइनल भी आज ही ले लिया, तो मैं वो आप सबको नहीं दिखा पाऊँगा। और मैं ट्राई करूँगा जो अगला गेम सब है, जो नेक्स्ट गेम सब है अंडर 4 days, तो वो मैं पूरा ट्राई करूँगा आप सबको दिखाने के लिए। और मैं अपना पूरा बेस्ट देने वाला हूँ आप सबको ये शेयर करने के लिए कि जो मेरा कॉलेज है वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉलेज इन होल इंडिया, नंबर 1 पे आता है। तो देखते हैं मैं आप सबको कितना शेयर कर पाता हूँ इसके बारे में, और देखते हैं हम सबका अगला 4 दिन जो बचा है वो कैसे बीतता है। तो बस आज के लिए मेरा जो डे था कॉलेज वीक का वो कुछ ऐसे बीता, तो ये ठीक ठाक ही था, मैं बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया, बहुत कुछ खाया, पेट पूरा फूल गया था। तो आज के लिए बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ और इतना ही दिखा पाया आप सबके लिए।
आप सबको। और तो लास्ट में ये बोलना चाहूँगा, मेरा वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपसे इस वीडियो इस चैनल पे, क्योंकि आपसे इस चैनल पे इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाला है नॉर्थ ईस्ट के बारे में। तो देखते हैं आगे क्या क्या होता है। तो अभी के लिए हम बाय बाय, आप सबसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में।